फिल्म थैंक गॉड का सबसे पहला रिव्यू सामने आ गया है। सब कुछ साफ साफ पता चल गया है कि फिल्म आखिर कैसी है। ये भी क्लियर हो गया है कि फिल्म की लेंथ कितनी है, एंटरटेनमेंट का डोज क्या है और ये फिल्म फैमिली और बच्चों के साथ बैठ के देखने लायक है या फिर नहीं। और इसके साथ ही ये भी पता चल गया है कि कंट्रोवर्सी के बीच थैंक गॉड से किस सीन को रिप्लेस किया गया है और किस सीन को फिल्म से हटा दिया गया है। जी हाँ, थैंक गॉड के इस वेरी फर्स्ट फिल्म रिव्यू में काफी इंटरेस्टिंग बातें निकल कर सामने आए हैं। वैसे तो फिल्म 25 अक्टूबर को थिएटर्स में दिवाली के मौके पर जगमगाएगी, लेकिन भारत में कुछ लोगों ने इस फिल्म को रिलीज से पहले ही देख लिया है और वहीं से अब फिल्म की बारीकियां बाहर निकल कर आई हैं। बस फिर फिल्म को कुछ खास लोगों के जरिए देखने के बाद अब इसके बारे में सारी डिटेल्स रिवील हो गई हैं और उसी डिटेल के आधार पर हम आपको दे रहे हैं थैंक गॉड का सबसे पहला रिव्यू। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदुस्तान में सबसे पहले फिल्म भारत के सेंसर बोर्ड के कुछ मेंबर्स देखते हैं और ये सदस्य फिल्म को देखने के बाद जो अपना रिव्यू देते हैं उसी आधार पर फिल्म को सर्टिफिकेट मिलता है और फिल्म थिएटर्स में रिलीज होती है। अब ऐसे में सेंसर बोर्ड को थैंक गॉड फिल्म दिखाने के बाद जो रिव्यू सामने आया है, तो आइए आपको बताते हैं थैंक गॉड के रिलीज से पहले इसका पहला रिव्यू। देखिए, सबसे पहले तो फिल्म के ड्यूरेशन की बात की जाए तो आपको बता दें कि फिल्म की लंबाई 121 मिनट यानी 2 घंटे और 1 मिनट है, यानी कि फिल्म की लेंथ ठीक ठाक लंबी है। इसके अलावा फिल्म को लेकर सेंसर बोर्ड का ये भी मानना था कि फिल्म को बच्चे अपने पेरेंट्स से परमिशन लेकर जरूर देख सकते हैं, क्योंकि थैंक गॉड को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने सर्टिफिकेट दिया है। फिल्म को 3 मॉडिफिकेशन के साथ यूएस सर्टिफिकेट दिया गया है। देखिए, किसी फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिलने का मतलब यही होता है कि अब ये डिसीजन पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने बच्चे को ये फिल्म देखने देना चाहते हैं या फिर नहीं। अब फिल्म में ऐसा क्या है ये भी समझ लीजिए। दरअसल फिल्म के कुछ हिस्सों पर सेंसर बोर्ड को थोड़े बहुत ऑब्जेक्शन भी थे, हालांकि किसी भी सीन पर सेंसर बोर्ड ने कैंची नहीं चलाई है, बस फिल्म के रिलीज से पहले मॉडिफाई करने को कहा गया है। देखिए, सबसे पहले तो जहां अजय देवगन को चित्रगुप्त बोला गया है, उस सभी डायलॉग में अब चित्रगुप्त की जगह पर सीजी का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं भगवान हनुमान की मूर्ति को मिठाई चढ़ाने की सीन के एक शॉट को बैक शॉट एंगल से बदल दिया गया, दूसरे शराब के ब्रांड का नाम ब्लर कर दिया गया है और लास्ट में डिस्क्लेमर को बदला गया है और साथ ही इसकी लंबाई बढ़ा दी गई है ताकि फिल्म देखने वालों को इसे पढ़ने के लिए ज्यादा समय मिल सके। खैर, आपको बता दें कि थैंक गॉड को लेकर काफी दिनों से कंट्रोवर्सी चल रही है। श्री चित्रगुप्त वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा पेटिशन फाइल भी किया गया था। इतना ही नहीं, फिल्म के ट्रेलर और पोस्टर को यूट्यूब और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाए, इस पेटिशन में फिल्म के थिएटर्स या फिर OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज को रोकने के लिए भी मांग की गई थी। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।